हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट के अड्डे पे। तो देखिए, आज बनाने जा रहे हैं ये पेठा, जैसे आगरे का पेठा। तो आगरे का पेठा बनाने के लिए ये पेठा देख लीजिए आप, ऐसा पेठा होना चाहिए जैसे ऊपर की परत इसके वाइट वाइट होती है, अच्छे से पके हुए पेठे होते हैं। तो ये पक जाते हैं जब इनके ऊपर एक वाइट वाइट परत आ जाती है, और बहुत ही अच्छा ये पेठा है। तो अब देखिए, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आपको कट कर लेना है। तो जितने आपको जैसे वजन में लेना है उस हिसाब से ही आपको माप करके चीनी इसमें डलती है। तो इसमें एक इसके राउंड ये पेठा काट लेती हूँ, जैसे 1 किलो के लगभग ये पेठा कट करके तैयारी कर लेती हूँ। अब इसको क्या करना है, जैसे अंदर की तरफ भी ये जैसे पकने की पहचान होती है, जब बीज होते हैं उनके ऊपर एक वाइट वाइट परत आ जाती है, एकदम चिकने चिकने बीज हो की तैयारी हो जाते हैं। तो अब इनकी देखिए अंदर की वाइट वो परत है, बीज वगैरह गिरी वगैरह वो कट करके निकाल देनी है। तो ये देखिए, बीज और गिरी इसके अच्छे से हटा देने, गिरी अंदर की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अब जितने बड़ा आपको पीस में कट करना है उस हिसाब से आप पीसेज कट करके तैयारी कर लेने, छोटे या बड़े जो आपको पसंद है उस हिसाब से आप पीस कट कर सकते। तो ये देखिए, इतने इतनी बड़ी जैसे मार्केट में आते हैं उस हिसाब से इसके पीस कट कर लिए। अब जो इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा वो गिरी आपको लगती है कि इसके ऊपर गिरी है वो और हटा देनी है, और ये हार्ड पार्ट है ये भी हटा देना है। तो दोनों तरफ से इसको ऊपर से छील की तैयारी कर लेना, और अंदर से जो इसमें गिरी होती है एक्स्ट्रा वो भी हटा देना, जो ये देखिए हरे हरे धागे से रह गए ये भी हटा देना है, अच्छे से इसको छील लेना है। तो इसी तरह सारे पीसेज को छील के और कट करके तैयारी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सारे छील के और तैयारी कर लिए। अभी एक आप कोई भी ऐसे स्पून ले लीजिए, तो इस स्पून से आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से गूंथ के और तैयारी करना है, चारों ओर तरफ और ऊपर नीचे चारों तरफ इसको अच्छे से ऐसे गूंथना है चम्मच से, इस स्पून से आपको अच्छे से गूंथना है। तो इसी तरह आपको गूंथ के सारे पीसेज को इसी तरह आपको तैयारी करने, जैसे छोटे पीसेज है तो और भी अच्छे आराम से होएगा, ज़्यादा बड़े पीसेज है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, पर बहुत ध्यान से आपको ऐसे गूंथना है, कोई हाथ में ऐसे नहीं कोई हाथ में लग जाए। और तो ये देखिए, सारे पीसेज को गूंथ के तैयारी कर लिया। अब आपको लेना है कोई भी भगोने पतीले में पानी, तो पानी आपको इतना लेना है कि आपके पास 1 किलो पेठा है तो उसमें 1.5-2 किलो पानी डालना है, क्योंकि अच्छे से पेठा अंदर डूबना चाहिए, पानी के अंदर डूबना चाहिए, जैसे पानी ऊपर आना चाहिए। अब 1 चम्मच ले लिया चूना, तो चूना भी जैसे सूखा और गीला दो तरीके का आता है, मेरे हिसाब से दो तरीके का आता है, और आप जानते हो तो कमेंट करके बताइए। तो ये देखिए गीला चूना है, तो इसमें थोड़ा सा डाल दिया पानी, पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि जैसे पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस पानी में डालते ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो इस चूने के पानी के अंदर आपको पेठे को डबो के रखना है, कम से कम 7-8 घंटे रखना है, और आप ज़्यादा छोड़ो तो आप ओवरनाइट भी इसको छोड़ सकते। तो ये देखिए, ये पेठे की प्रोसेस है, तो आप पूरा पेठे का वीडियो आगे तक पूरा देखिए, पूरा देखोगे जब भी आपको पता चलेगा, बीच में कहीं आप स्किप कर जाओगे तो फिर आपकी कोई भी चीज़ ख़राब है, और तो वो क्या कि बीच में आप स्किप करने से होती है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होता है, पर मैं जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ, और कोई भी आपके समझ में नहीं आवे तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया पानी, ऊपर तक आ रहा। तो जैसे 7-8 घंटे ओवरनाइट आप जैसे भी छोड़ो, तो ओवरनाइट आप छोड़ते हो तो जैसे फिर आपको 7-8 घंटे बाद में जब बनाते हो उस टाइम आपको इसको कोई भी छलनी से और आपको इसको निकाल लेना है पेठे को, ये चूने के पानी के अंदर से आपको निकाल की, और बाद में आपको कम से कम 4-5 बार साफ पानी से धो की तैयारी करना है। तो ये देखिए, साफ पानी ले लिया, इसमें डाल देती हूँ, और इसी तरह मैं आपको एक बार इस साफ पानी में डाल के दिखा रही हूँ, पर 4-5 बार साफ पानी से आपको अच्छे से मसल मसल के इस पेठे को धो की तैयारी करना है, जो भी चूने का एक्स्ट्रा इसमें पानी होएगा, चूने का जो रस है वो अच्छे से निकल जाना चाहिए। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह मैं 4-5 बार अच्छे से साफ पानी से इसको मसल मसल के धो लिया, और अब देखिए एकदम से साफ पानी निकल की तैयारी हो गया है। तो जैसे ही साफ पानी आ गया,
तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से हल्के हाथों से आपको ऐसे दबा के इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है, और कोई भी छलनी के अंदर निकाल के इसको 2 मिनट रख देना है, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी फिर निकल जाएगा। और अब आपको क्या करना है, एक भगोने के अंदर लेना है पानी, तो ये देखिए साफ पानी गैस के ऊपर रख देना है, तो जितना रखना उस हिसाब से कि इसमें अच्छे से पेठा एब्जॉर्ब हो जाए। तो पानी में अच्छे से बॉईल आ गई है, बॉईल आने के बाद में आपको इसमें पेठा डाल देना है। तो पेठा डालने के बाद में आपको गैस के फ्लेम को फुल रखना है, फुल आंच पे आप कम से कम 10-15 मिनट इसको बॉईल करना है। तो 15 मिनट या 20 मिनट भी लग सकती है, तो 15-20 मिनट बाद में आप देख लीजिए अच्छे से इसका, देखिए कलर चेंज हो जाता है, तो कलर चेंज हो जाता है और हल्का सा आप हाथों से दबा के देखोगे तो ये पेठे पक जाएगी, पक की तैयारी हो जाता है। तो ये देखिए पहले का कलर देखिए और अब का कलर देखिए। तो अब इसको क्या करते हैं, पेठे को कोई भी छलनी के अंदर निकाल लेते हैं, और छलनी के अंदर निकाल के 2 मिनट इसको साइड में रख देते हैं, तो इनसे क्या होगा जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पानी निकल जाएगा। तो इसमें अब कोई भी चूना वगैरह भी नहीं रहा है, क्योंकि इसको 15-20 मिनट बॉईल कर लिया अच्छे से, तो इसमें जो भी कोई भी हल्का फुल्का चूना रहा वो निकल की तैयारी हो गया, निकल गया। तो अब उसी भगोने के अंदर डाल लेते हैं चीनी। तो देखिए 1 किलो पेठा था उसमें 500 ग्राम चीनी डाल दिए, और इसमें लगभग 200-250 ग्राम पानी डाला है। तो पानी देखिए थोड़ा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी होएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है बस, भी जैसे 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी, वो कोई इसमें पानी की ज़्यादा नहीं है। तो इसमें देखिए पानी डाल के और इसको जब तक पकाते हैं कि चाशनी, ये हल्की चाशनी नहीं बनानी है, चीनी को आपको मिक्स करनी है। आप इस टाइम भी पेठा डाल सकते हैं इसके अंदर, पर ये चीनी देखिए, चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद में इसके अंदर पेठा डालेंगे। तो आपको जैसे कोई भी आपको इसके अंदर जैसे कोई भी और आप इलायची का फ्लेवर या कोई भी आप डाल सकते हैं, जैसे जो आपको फ्लेवर पसंद है वो भी आप हल्का सा इसके अंदर डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो अब देखिए चीनी मिक्स होने के बाद में इसके अंदर डाल दिया पेठा, और पेठा डाल के आपको इसके कम से कम आपको 10-15 मिनट आपको पकाना है। तब तक पकाना है कि जैसे आप देखोगे तो अच्छे से आपको पक्की या तैयारी हो जाएगा पेठा, और अंदर से जैसे एकदम मार्केट से लेके आते हैं वैसा ऐसा ये पेठा बन के तैयारी हो जाएगा। तब तक आपको 10-15 मिनट आपको पका के तैयारी करना है। जैसे ये चाशनी आप ऐसे देखोगे, उठा के ऐसे चलाओगे तो आप अंगुली से दबा के देखोगे तो एकदम तार बनेगा और एकदम चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए 2 तरीके से आप बना सकते हो, एक तो जैसे ऐसे आप चलाओगे तो चाशनी गाढ़ी हो गई है तो आप निकाल सकते हो जैसे पेठे को 15-20 मिनट पका के, एक आप ये सोचते हो कि ये चीनी ऐसे ही बचेगी, आप को इसी पेठे के अंदर चिपका देनी है, चीनी को बचानी नहीं है चाशनी को। तो 2 तरीका है, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। तो मैंने देखिए क्या करा, अब इस टाइम आप पेठे को निकाल सकते हैं, पर मैं 2-3 मिनट इसको और पका लेती हूँ, क्योंकि ये चीनी है जो बचेगी ऐसे ही चाशनी बचेगी वो इसी पेठे के अंदर ये चाशनी लग जाएगी सारी। तो ये देखिए 2-3 मिनट और पका लिया चीनी, एकदम ये देखिए चाशनी पक गई है, तो एकदम पेठों के चिपकने लग गई है। तो अब 2 मिनट ठंडा होएगा, इतने में ये चीनी इस पेठों के चिपक की तैयारी हो जाएगी। अब कोई भी आप छलनी ले लीजिए, जाली वाली छलनी ले लीजिए, नीचे ऐसी एक कटोरी रख लिए, अब इसके ऊपर पेठे को एक एक करके रख देते हैं। तो 10 मिनट बाद में देखिए ये पेठा खाने के लिए तैयारी हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा पेठा बना, बहुत ही अच्छी इसके अंदर खुशबू आ रही है। तो ऐसे एक बार आप भी पेठा बना के देखिए, और फिर आप कमेंट करके बताइए कि आपका पेठा कैसा बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा पेठा बन की तैयारी हो गया और बहुत ही अच्छा पेठा बना है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए देखिए पेठा बन की तैयारी हो गई है, और आधे घंटों यह इस पेठे को, ये अच्छे से ठंडा भी नहीं हुआ पर बहुत ही अच्छा पेठा बने। इसके अंदर रस देखिए, एकदम रस भरा पेठा बना है, और जो आप मार्केट से लेके आते हो उनसे कई गुना अच्छा ये पेठा बन की तैयारी हो गए।
तो चलिए मैंने दो तरीका का पेठा बनाया, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ दूसरा भी। तो पहले मैंने एक तो ये बनाया जो आपके सामने अभी बनाया है वीडियो में, और एक मैंने पहले ये बनाया था जो पीले कलर का है, येलो कलर का, ये बनाया था। तो इसमें देखिए मैंने हल्का सा येलो कलर भी डाल दिया, और इसको मैंने पहले से बॉईल नहीं किया, जो पहले मैं आपको बताया कि 20 मिनट बॉईल कर लेना है, इसको बॉईल नहीं किया। तो ये भी बहुत अच्छा बना है पेठा, बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही अच्छा रसीलेदार पेठा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।